तो गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरी प्यारी बहन के साथ खेलने में। तो गाइस ये देख सकते हो, ये पूरा व्हाइट रहता नहीं तो अभी मिट्टी के चलते ब्लैक हो गया। तो हम लोग गलत रास्ता पे आ गए थे और गाइस देख सकते हो ट्रेन का कितना मोटा मोटा पटरी और इसमें पार्क। इतना है चाहत मोर दिल में गोरी, तोर ले जियो ना तोर ले मरो ना। एंड गाइस आई एम ऑन द वे गाइस, ये देख सकते हो खेत में लोकेशन पे आ चुके। एंड गाइस ये देख सकते हो राहुल भाई अपना ZX 10R लेके आया है। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो गाइज आज की इस एपिसोड में गाइज सुबह सुबह हम लोग आ चुके हैं गाइज रनिंग के लिए और ये देख सकते हो हमारा रनिंग वाला लोकेशन। तो हमारे जितने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भैया लोग हैं सबको यहीं से गाइज रनिंग वनिंग करके अभी सरकारी नौकरी ले लिया है। तो हम लोग अभी माइंड में ऐसा आया कि यहीं पे हम लोग भी रनिंग करके नौकरी उकरी ले लेंगे सरकारी, तो फिर बाप खुश हो जाएगा। इस वजह से गाइस आ चुके हैं ये देखो राहुल भाई के साथ। तो राहुल भाई आज हम लोग फर्स्ट दिन रनिंग किए, कैसा लग रहा तुमको? फर्स्ट डे तो उतना खास नहीं रहा क्योंकि बहुत दिन से रनिंग छोड़ा हुआ था। हाँ। तो अभी देखते हैं लगातार आने का कोशिश करेंगे। हाँ। तो बेहतर रनिंग बनाता। हाँ सही बोला कि अब लगातार आएंगे ना तो थोड़ा स्टेमिना भरेगा। तो गाइस आज से फुटबॉल करेंगे क्योंकि गाइस फुटबॉल मेरा हॉबी है, सबसे अच्छा खेल मेरा फुटबॉल ही है। फुटबॉल ही हम खेलते हैं तो पूरा मन तन लगा के। तो गाइस अभी एक ही राउंड में पूरा एकदम टाइम टाइम फीस हो गया ध्यान करवा ला। और यहाँ का जो व्यू है ना ये वन है गाइस जबरदस्त। हम सबसे फर्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट किए थे यही वाला लोकेशन से। एंड गाइस ये देख सकते हो राहुल भाई अपना ZX 10R लेके आया है। ये भाई तुम डबल स्टिन किया है ZX 10R का? हम लोग डेली दौड़ते ना तो हम लोग का स्टेमिना थोड़ा रहता है, बट हम लोग एक ही दिन आए बहुत दिन, करीबन कितना महीना हो गया होगा? 6-7 महीना हो गया, उसके बाद आए दौड़ने तो स्टेमिना घटे गए। थिंग इज दैट गाइस ये वाला किला के बारे में आप लोग को बता दे कि ये बहुत पहले ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था ये वाला किला। और बोला जाता है कि ये वाला किला में गाइस बड़ा बड़ा गाइस क्या हाथी सब रहता था और फिर बड़ा बड़ा सुअर रहता था। हम तो आज तक देखे बस छोटा सुअर। और बोला जाता है हमारी दादी लोग जैसे कि बताती है कि इतना बड़ा बड़ा सुअर इतना ध्यान करो, तो हम भी ये सब सुन के तो शौक हो गया, अभी तक विश्वास नहीं हुआ। और गाइस ऊपर पे आप जो देख रहे हो ना टंकी के ऊपर पे उसमें पानी वानी रखा जाता है। अभी हम लोग रनिंग वनिंग करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, अभी तो जस्ट थोड़ा मोड़ा रनिंग की। हमारे साथ और एक लड़का जुड़ चुका है, अभी आया वो उठ के। उसका नाम दीपक है। अभी अभी मॉर्निंग वॉक में आए, इतना लेट ही सो के उठते हैं क्या बोलते हैं? अब देखिए रात में थोड़ा रील्स देखते हैं, रील्स कभी नहीं देखा, रील्स में नींद ही नहीं लगता है, 11-12 बजे सोते हैं तो क्या करें, अभी उठना पड़ता है, इधर आना पड़ता है टहलने ये अंग्रेज ग्राउंड तरफ। हवा ताजगी, हवा नदी सामने है, बहुत अच्छा है, फील होता है आने से। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी रनिंग वनिंग कर लिए, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज भी किया, और थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करते तब थोड़ा मोड़ा और ज्यादा फिट हो जाएंगे ना भाई। एक्सरसाइज करेंगे तो फिट होंगे ना भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग टंगा के अपना ये मसल को बढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे होल है, टायर से बनाया हुआ है और एक बांस का लकड़ी दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहीं पे टंगा के अभी हम लोग बॉडी वोडी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम जगह भाई जा रहे जाना भाई करना भाई। कितना बढ़ सकता भाई तुम? 10 बार पढ़ सकते, देखते गए अभी 3 हुआ कर पाया कि नहीं, 10-4 हो गए, 5 ये छह, ये देख ए भाई तुम 10 बोल के 6 कर दिया। 6 बार बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा, फर्स्ट बार में कल 10 हो ही जाएगा। और कल मतलब धीरे धीरे बूंद बूंद से पानी बढ़ता है। इसके बाद अभी राहुल भाई जाएगा। राहुल भाई तुम कितना बार सकोगे? भाई तुम तो बहुत ज्यादा सको क्योंकि ये पूरा फिट है गाइस। ये देख सकते हो गाइस ये तो आराम से कर रहा है, इसको लग रहा है कि कोई सिंपल काम है। ओ माय गॉड, अरे भाई इसका तो हम गिन भी नहीं सकेंगे, इतना डेंजर कर दिया। कितना हुआ भाई? अभी 5 ही हुआ है। 5 ही हुआ भाई, अरे साला ये सॉलिड कर दिया भाई। मेरा समय आ चुका है, अब हम यहाँ पे जाते हैं, अभी देखते हैं हम कितना बार कर पाते हैं। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करना। ले भाई फोन पकड़ो,
गाइस मेरा बॉडी देख सकते हो, अभी बस अभी आज नहीं खाया ना इस वजह से थोड़ा सा डाले, अभी देखो कैसे खाते हैं। कितना मर सकेगा? अरे हम 50 साल गाइस नहीं सक रहे हैं गाइस हम बहुत दिक्कत है। तभी अब फटाफट अब निकलते हैं गाइस घर, क्योंकि पापा भी फोन किए थे और अभी खेत हमको जाना है, खेत में काम भी करना है। और गाइस देख सकते हो ये लोग इतना डेंजर बोलता है ना कि क्या ही बोले। तो फटाफट निकलते घर, घर से कुदाल पकड़ते और उसके बाद फिर उस साइड खेत पे जाना है। पापा पहले ही खेत चले गए, तभी राहुल भाई अपना ZX-10R कुछ स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ गाइस। तो उधर बहुत ज्यादा लेट हुआ, उधर हम लोग दौड़े एक्सरसाइज किया, उसके बाद फिर दीपक भाई आ गया, तो ऐसे बातचीत करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। और पापा भी पूरा गुस्सा है, मम्मी भी, क्योंकि हमको जाना था खेत और गाइस लेट हो गया। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अभी फटाफट कुदाल दाल पकड़ते हैं, ये रहा कुदाल, अब इसको पकड़ के डायरेक्ट हम लोग खेत निकलते हैं और फिर मिलते हैं गाइस खेत में। फाइनली गाइस आई एम ऑन द वे गाइस, ये देख सकते हो खेत में आ चुके हैं और हाथ पे कुदाल पकड़े हुए। हमको लग रहा है पापा भयंकर वाला गुस्साएंगे, क्योंकि वो हमको एक घंटा पहले फोन किए थे कि आओ, और हम गाइस उधर ही लेट कर दिए वीडियो बनाने में। और देख सकते हो उस साइड पे अभी थोड़ा मोड़ा आदमी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट निकलते हैं, अभी वीडियो बंद करते हैं वरना मेरा पापा फेंक के माने में फोन ही टूट जाएगा। एंड गाइस ये देख सकते हो पापा के लिए काम कर रहे हैं, वो देखो रेड कलर का टी शर्ट पहने हुए। तो गाइस ये वाला खेत करीबन हम लोग का घर से 500 मीटर की दूरी पे है गाइस, और इधर कोई दिख ही नहीं रहा, अभी पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, अभी तो दिखना चाहिए पूरा भयंकर, सबका भीड़ है यार, देख रहे हो, मतलब ये लोग का उतना नहीं है, हम लोग का भयंकर है, क्योंकि सबसे फास्ट हम ही लोग किए थे भीड़। पापा हमको लगता है पूरा भयंकर वाला काम किए होंगे, आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट कर दिए होंगे, देख रहे हो कितना भयंकर मेहनत कर रहे पापा। और मदन भाई तो गाइस डेली हल चलाने के लिए आता है, उस साइड पे वो हल चला रहा, वो देखो। तो अभी हम लोग खेत पहुंच चुके हैं, ये रहा हमारा खेत, बीड़ा करने आए थे उस वक्त आप देखे होगे हमारा खेत। तो ये देखो आधा से ज़्यादा काम पापा कर लिए, यहाँ से यहाँ तक। अभी कुछ नहीं बोलेंगे पापा को, अभी बोलेंगे ना कुछ तो पापा डांट देंगे, अभी फेंक उक के मार देंगे। तभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, फ़ोन को साइड रखते हैं और काम करते हैं। ये देख सकते हो पापा यहाँ से उधर काम किया, और अभी मेरे को इस साइड से उस साइड तक जाना है करके, तभी बिना टाइम वेस्ट ये काम करते गए। कुदाल इतना मजबूत वाला कुदाल लाए, देख रहे हो, एक बार ऐसे करेंगे ना मिट्टी फंका जाएगा, इतना डेंजर वाला कुदाल है, बहुत शार्प है, किसी का पैर में मार देंगे पैर कट जाएगा इसका। तो फोन को साइड रखते हैं और उसके बाद फिर काम हम करते हैं और फिर मिलते हैं। फाइनली गाइस हमारा काम कंप्लीट हो चुका है गाइस, और देख सकते हैं अभी पापा पता नहीं क्या ढीला वाला फोड़ रहे हैं, वहां से गाइस हम वहीं तक किए, पापा गाइस पूरा राउंड कर दिया, हम लेट कर दिया आने में, इस वजह से हम उतना कर भी नहीं पाए। और देख सकते गाइस यहां पे फिर हम लोग कल गाइस उस साइड पे थे, उस साइड वाला खेत आगे पे उस साइड वाला खेत, और अभी गाइस यहां पे आए। तो आप लोग को बीड़ा दिखाते गाइस हम लोग का कितना तैयार हुआ है, हमको तो लगता है कि रोकने जैसा हो गया है, ये देख सकते हो बड़ा बड़ा सबका बीड़ा, हम देखे तो वो लगा सबका छोटा छोटा जैसे छोटा, और ये देख सकते हो पूरा घना घना, ये हो गया बस रोपने जैसा, ऐसे करके रोप। बस पानी की कमी है, पता नहीं कब पानी आएगा भगवान जी, कब आ रहे हैं पानी, आप पानी नहीं दे रहे भगवान जी। पिछले साल अभी के समय में रोपाई स्टार्ट हो गया था और 2-3 खेत कम्प्लीट भी हो चुका था, और इस बार गाइस भगवान जी पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, शायद हम लोग से कुछ गलती हो गया होगा, इसीलिए भगवान जी नहीं दे रहे पानी वाणी, सबका प्रॉब्लम है गाइस, इस वजह से कोई खेत खेत में ही नहीं दिख रहा है, ये देख सकते हो बस कोई कोई 2-4 बस, उधर मगन भाई और इधर भी बुड्ढा भाई का फैमिली। तो अभी फटाफट यहाँ से कुदाल उदाल पकड़ते हैं और हम और पापा हाथ में हाथ पकड़ के डायरेक्ट निकलते घर। गाइस ये देख सकते हो हम लोग छाता होता पकड़ के लाते हैं, बट गाइस पानी ही नहीं आता, क्या ही करे। और इस साइड पे भी इन लोगों का बेड़ा तैयार, सबका बेड़ा तैयार हो गया, बट गाइस पानी का समस्या है, अभी वेटिंग चल रहा है, भगवान जी हम लोग को वेट करवा रहे हैं, करीबन और 1-2 सप्ताह वेट करवाएंगे हमको लग रहा है। और नदी में भी पानी नहीं है जो कि हम लोग पटा के हम लोग रोप सके, सब साइड से गाइस समस्या है। और गाइस हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं, पापा आगे आगे
मैं पीछू पीछू। फाइनल गाइस मैं कोड़ी उड़ी करके घर आ चुका गाइस, और अभी का सीन ये है कि मेरे को एक जगह जाना है गाइस, मेरे को एक चीज खाना बहुत पसंद जिसको हम बोलते पुटका रुगड़ा। तो अभी एक भैया हमको फोन किया, वो बोले कि तुम बोल रहा था पुटका रुगड़ा, हम उसके सामने बहुत जिक्र कर रहे थे ये, तो इस वजह से वो फोन किया, वो बोले कि चलो मेरा दोस्त लेके आया है तो वहीं से खरीद के लाएंगे। तो अभी गाइस वहीं जा रहे हैं, तो अभी रेडी उडी हो चुके हैं, फटाफट गाड़ी वाड़ी निकालते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट निकलते हैं। हमारा स्कूटी हमारा भाई कॉलेज ले गया है, तो अभी जल्दी से निकलते हैं अपने भैया के पास, उसके बाद फिर मिलते गाइस। फाइनल गाइस हम अपना भैया के पास आ चुके हैं, तो ये देख सकते हैं ये रहे हमारे भैया, तो यही भैया के साथ हम जाने वाले गाइस पुटका रुगड़ा खरीदने। तो अभी चिकन मटन छोड़ दिए गाइस, इस वजह से गाइस सोच रहे कि पुटका उटका खा के थोड़ा सा मसल उसल बनाएंगे, तो यही भैया के साथ जाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पापा की गाड़ी, तो पता नहीं ये भैया कहाँ ले जाएंगे, कहाँ जाना है भैया हम लोग को? हम लोग को अभी चतरा जाना है, पुराना चतरा। अच्छा पुराना चतरा जाना है, तो अभी फटाफट गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट मिलते गए पुराना चतरा में। तो गैस ये देख सकते हो हम लोग गलत रास्ता पे आ गए थे, और गैस देख सकते हो ट्रेन का कितना मोटा मोटा पटरी, और इसमें पार किए गए उठा उठा के गए, और ये हमारे भैया बाहुबली बने तब हम लोग आराम से पार कर पाए, अभी भी हमको पूरा थकावट जैसा लग रहा है। और फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके पुराना चतरा ना भैया, तो यही वाला पुराना चतरा है, और ये वाला ब्रिज से थोड़ा सा पार करना होगा ना, ये जो आप ब्रिज देख रहे हो सामने इसके जस्ट नीचे पे है पुराना चतरा। अभी हम लोग पहुंच गए, थोड़ा सा सांस लेते हैं। तो गाइस हम लोग को उस साइड से आना था, बट गाइस हम लोग इधर रिंग रोड लिए और रिंग रोड से इधर रास्ता ही। अरे हम लोग कैसे पार गए जी? अच्छा वो लोग यही घर का, हम सोचे इधर से पार करके गए, तो उस साइड से आते ना तो ऐसा कुछ झोल नहीं होता, बट गाइस हम लोग पागल जैसे कौन रास्ता में आ गए, और इतना ध्यान कर हमको तो लग रहा था फंस जाएंगे, तो ट्रेन में आ गए डायरेक्ट मार दिया ना, पूरा डर लग रहा था। इस वजह से गाइस हमारे भैया बाहुबली एकदम बने, एकदम उठाए और फटाक से हम लोग आ चुके। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके गाइस वो लोकेशन में जहां हम लोग को आना था, तो ये रहा इसके पीछे पे भैया जी का घर है। तो अभी हमारे जो बड़े भैया हैं राजकुमार भैया, वो चले गए हैं उनके साथ, तो अभी वो आते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग वो रुगड़ा पुटका जिसके लिए हम लोग आए हैं वो सब पकड़ेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट निकलेंगे। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हो हमारे भैया आ चुके हैं रुगड़ा लेके, तो दिखाई कैसे दिखता हम देखे नहीं है। तो गाइस ये देख सकते हो ये पूरा वाइट रहता नहीं, तो अभी मिट्टी के चलते ब्लैक हो गया। तो गाइस ये वाला झोला भी लाए थे ये पुटका को रखने के लिए, यहाँ पे यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद फिर लेके चलते हैं। तो इंजन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट निकलते हैं घर। तो गाइस यहाँ देख सकते हो गाइस रिंग रोड में वर्क ऑन प्रोग्रेस चल रहा है, पूरा ध्यान कर भी, और अभी देख सकते हो कितना ध्यान कर यहाँ पे रास्ता है। कैसे पार करेंगे जी? कैसे पार करेंगे भैया? गलत रास्ता है, फिर भी अभी ट्राई करते पार करने का। तो गाइस राजकुमार भैया को उनका घर छोड़ा, उसके बाद फिर फाइनली गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और ये देख सकते हो गाड़ी भी पार्क कर दिए। एंड गाइस बहुत ही भयंकर भूख लग रहा है, अभी तक तो कुछ खाया नहीं, और अभी का टाइम गाइस 11 बज रहा, दतवन तक नहीं किए, तो अभी फटाफट चलते हैं, नहाते धोवाते हैं, दतवन तुन करते हैं, उसके बाद फिर पूजा भी करना होगा, तो मिलते हैं गाइस। पता है 10-11 बजे तक नहीं खाओगे ना, और पूजा उजा करके नहाओगे तो एकदम अलग ही लेवल का फ्रेश लगता है, एकदम पूरा शांति वाला, जैसे तभी हम पूरा लाउड टाइप से बोल रहे थे, अभी पूरा धीरे धीरे बोल रहे हैं, तभी पूरा फ्रेश लग रहा है गाइस। तो अभी चलते खाना वाना खाते हैं, क्योंकि भूख भी डेंजर वाला लग रहा है, पेट भी देख सकते हो गुड़गुड़ हो रहा है, तो अभी फटाफट खाते हैं, और उसके बाद फिर मेरे को पढ़ना भी है, और उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग करना है। तो गाइस ये देखो मेरे साथ कौन है, मेरी प्यारी बहन अभी जस्ट आई है। तो गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरी प्यारी बहन के साथ खेलने में, और ये तो पूरे स्टाइल मार के आती है, पूरा एकदम पाउडर क्रीम सब लगा के। इतना है चाहत मोर दिल में गोरी, तोर ले जियो ना तोर ले मरो ना। तो गाइस अभी थोड़ा देर मेरी प्यारी बहन के साथ खेलते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन होता है। ना मियाँ क्या खाएगी, कुछ खाएगी बोलो, टोमेटो यस बोली है, अभी कुछ इसको खिलाएंगे। तो गाइस ये देख सकते हो अभी हम और मेरी बहन गए थे गाइस पकौड़ी लेने के लिए, मेरी बहन पकौड़ी पकड़ी है गाइस प्लास्टिक में, और हम पकड़े गए दोनों में, और ये देखो ये भी अपना खरीद लिया, हम भी अपना खरीद लिया, किसको दे रही है तुम? तो अभी दोनों बहन एंजॉय करके अभी खाते हैं, चलिए चलिए चलिए, गिराना मत गिराना मत। पकौड़ी खाने के बाद गाइस ये देख सकते हो अभी हम लोग पास्ता खा रहे हैं, पापा को बोले थे, पापा गए थे चौक साइड, तो पापा को बोले थे कि पास्ता वास्ता लेते आना, तो ये देख सकते हो पास्ता लेके आया, बट गाइस इसमें देखो मसाला
कोई दूसरा मसाला है गाइस, मैगी मसाला पापा लेके आया। पास्ता मसाला लेके आना चाहिए तो पापा मैगी मसाला लेके आया। और इसका कलर देख रहे हो, डिस कलर टाइप से लग रहा है, फिर भी मजा आ रहा है गाइस। मैगी मसाला डाले पास्ता में, फिर भी गाइस टेस्ट लग रहा है। बस थोड़ा सा गाइस तीखा लग रहा, फिर भी कोई ना, एक नंबर। तो गाइस पूरा अंधेरा हो गया गाइस, देख सकते हो फ्लैश ऑन करके वीडियो बना रहे गाइस। अभी पास्ता तक खा लिए, एक नंबर बना था, बट थोड़ा सा तीखा था, शायद मैगी मसाला डाल दिया ना भाई, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा तीखा हो गया। तो फिर भी कोई नहीं, मज़ा आ गया। एक ही बार चावल खाए थे, उसके बाद फिर पकौड़ी और पास्ता ही खा के पेट उठ फुला लिए। तो अभी भाई फ़ोन किया था, दीपक भाई, बोल रहा था कि पकौड़ी दुकान साइड आओ, तो ये देख सकते हो सामने पे पकौड़ी दुकान है, तो उसी के पास चलते हैं। बोल रहा था कि कुछ बात करना है, तभी देखते क्या सीन है, तो अभी बात करते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।